हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो सभी जोन वाले ग्रुप डी के एस्पायरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टोटल 8 जोन का डिटेल्ड पीईटी रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। टेंशन मत दीजिए, आपको मैं एक एक पीडीएफ खोल के नहीं दिखाऊंगा। जो डाटा यहाँ पे वेबसाइट पर आया है उसको मैंने तैयार किया है, वो डाटा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इन सभी 8 जोन का आपको पता लग जाएगा कि कितना यहाँ पे अटेंडेंस रहा है, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं और कितना स्टूडेंट का पासिंग परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिला है। देखो, अभी तक जो है 8 जोन का कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है। बचे हुए जो 8 जोन है उनका धीरे धीरे जो है रिजल्ट आ जाएगा, पीटी हो जाएगा, तो वो भी डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पीडीएफ अगर आपको देखने होते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिकंदराबाद जोन की, ठीक है ना। अभी ये जो मैं रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं बिल्कुल कंप्लीट रिजल्ट है। यहां पर अगर बात करें सिकंदराबाद जोन से, तो यहां पर जो टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं 14,656 है। फेल की बात करूं तो 6,106 स्टूडेंट यहां पर फेल हुए हैं। अगर बात करें कितने अपियर हुए थे, तो टोटल 20,762 स्टूडेंट जो है अपियर हुए थे। और पीटी के लिए कितने स्टूडेंट को बुलाया गया था, 24,596 को बुलाया गया था, जिनमें से 20,762 प्रेजेंट हुए हैं। तो अटेंडेंस परसेंटेज सीधा सीधा बनता है 84%। तो बहुत अच्छी मात्रा में स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं। अगर बात करें पासिंग परसेंट की, तो ओवरऑल में अगर देखा जाए टोटल के साथ, यानी कि जितनों को यहाँ पर पीईटी के लिए बुलाया गया था और जितने पास हुए हैं, तो 60% यहाँ पर पासिंग परसेंटेज है सिकंदराबाद जोन से। बात करते हैं दूसरे जोन की, तो दूसरा हमारा जोन है ये है भोपाल का। भोपाल की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो है 6,330। टोटल जो फेल स्टूडेंट हुए हैं 2,788। अपीयर की बात करूँ कितने स्टूडेंट पीईटी में आए थे, तो 9,118 टोटल स्टूडेंट पीईटी में आए थे। कितने स्टूडेंट को बुलाया गया था, 10,743 को बुलाया गया था, जिनमें से 2,788 यहाँ पे आपके फेल भी हुए हैं। अगर बात करें अटेंडेंस की, तो 84% अटेंडेंस भोपाल में देखने को मिला है। बात करते हैं अगर पासिंग परसेंट की, तो 59% स्टूडेंट जो है भोपाल में पास आउट हुए हैं। देखो, मैं आपको बता दूं यहां पर जो अटेंडेंस है ना, लगभग सभी जोन में 80% से अबव ही है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग बिलासपुर की, तो बिलासपुर का जो डाटा है वो कुछ इस प्रकार से है कि टोटल जो यहां पर स्टूडेंट पास हुए हैं वो 1,865 है। टोटल जो स्टूडेंट यहाँ पर फेल हुए हैं वो 1,242 हैं। टोटल स्टूडेंट यहाँ पर जो अपीयर हुए हैं वो 3,107 हैं। और पीईटी के लिए कितने स्टूडेंट बुलाए गए थे, 3,568 बुलाए गए थे, जिनमें से 3,107 प्रेजेंट हुए हैं। अटेंडेंस परसेंटेज सीधा सीधा 87% निकलता है। पासिंग परसेंट की बात करूँ, तो यहाँ से मात्र 52% स्टूडेंट जो हैं वो पीईटी में पास हुए हैं बिलासपुर जोन से। आगे बात करते हैं मुंबई की, तो देखो मुंबई का डाटा कुछ इस प्रकार से है। टोटल यहाँ पे जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो 15,204 है। मुंबई सेंट्रल रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर बात करते हैं फेल की, तो 4,257 स्टूडेंट यहाँ से फेल हुए हैं। कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, तो 19,461 स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर हुए थे। बुलाए कितने गए थे, 21,813 बुलाए गए थे, जिनमें से 19,461 आए। अटेंडेंस की बात करूँ, तो 89% सीधा सीधा यहाँ पे अटेंडेंस बनता है। अगर बात करें पासिंग परसेंट की, तो यहाँ से यानी कि मुंबई सेंट्रल रेलवे से बड़ी मात्रा में स्टूडेंट पास हुए हैं और 70% यहाँ पर जो है पासिंग परसेंटेज निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में जो टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं वो 4,420 हैं। टोटल फेल हुए हैं 2,387। पीईटी के लिए जो बुलाए गए थे 7,876, और उनमें से 6,807 यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं। अटेंडेंस परसेंटेज की बात करूँ, तो टोटल 86% यहाँ पर अटेंडेंस परसेंटेज देखने को मिला है। अगर बात करते हैं पासिंग परसेंटेज की, तो टोटल में यहाँ पर 56% पासिंग परसेंटेज रहा है जितने स्टूडेंट को बुलाया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में जो टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं वो 3,351 है। टोटल फेल हुए हैं 2,200। अपीयर की बात करूँ, तो 5,551 अपीयर हुए थे। बुलाए कितने गए थे, 6,730 यहाँ पे बुलाए गए थे। अटेंडेंस निकलता है 82% और पासिंग परसेंटेज भुवनेश्वर का निकलता है 49%, ठीक है ना। तो 49% एक छोटा नंबर है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं थी। बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, यानी कि अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में टोटल जो स्टूडेंट पास हुए हैं 18,347 हैं। टोटल फेल हुए हैं 5,012। पीईटी के लिए बुलाए गए थे 27,439, जिनमें से 23,360 के करीब यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट रहे हैं। अटेंडेंस की बात करूँ, तो 85% यहाँ पे अटेंडेंस देखने को मिला है। और पासिंग परसेंट की बात करते हैं, तो अच्छा खासा स्टूडेंट यहाँ से पास हुए हैं, 66% स्टूडेंट टोटल यहाँ से पास हुए हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट जोन की, तो नेक्स्ट हमारा जोन है अजमेर। अजमेर की बात करूँ, तो टोटल स्टूडेंट 8,129 यहाँ से पास हुए हैं।
4087 स्टूडेंट यहाँ से फेल हुए हैं। पीईटी के लिए बुलाए गए थे 14242, जिनमें से 12216 ही आए हैं, यानी कि 85% यहाँ पर अटेंडेंस रहा है। अगर बात करूँ पासिंग परसेंट की तो ओवरऑल में यहाँ पे 57% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो ये थे पूरे 8 जोन का कंप्लीट डाटा मैंने आपको दे दिया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आया था। मैं आपको बता दूं इन 8 जोन में सबसे ज्यादा जो अटेंडेंस रहा है वो बिलासपुर का रहा है 87%, और सबसे ज्यादा अगर पासिंग परसेंटेज कोई रहा है तो मुंबई सेंट्रल रेलवे का रहा है 70%, ठीक है ना। तो इन दो चीजों में अभी टॉप पे है, बाकी के 8 जोन अभी आने बाकी है। चंडीगढ़ के रिगार्डिंग जो भी लोग पूछ रहे हैं, तो चंडीगढ़ जोन का कोई भी डाटा ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, जैसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा आपको अपडेट करा दूंगा। तो ये 8 जोन का पूरा अपडेट था, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।